मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए राज्य में लोक आयुक्त कानून लाने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लोक आयुक्त बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। अन्ना हजारे ने मांग की थी कि राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोक आयुक्त का कानून आना चाहिए। सुनिए इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। का बिल इसी सेशन में लाया जाएगा। सम्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है, वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ये लोकायुक्त होंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, साथ में दो और हाईकोर्ट जजेस उस कमेटी में होंगे। 5 लोगों की कमेटी होगी, 2 लोग का बेंच होगा और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था, उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे, अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। तो एक पूरे तरीके से अधिकारिता प्राप्त करने वाले लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारी भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाने वाला ऐसा ये कानून हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने लाया है।